पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर जम्मू कश्मीर के शाहपुर केरनी में रात 12:30 बजे से की लगातार फायरिंग। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब, दहशतगर्दों के छुड़ाए पसीने। पाकिस्तान गोलीबारी में 82 MM मोर्टार और 120 MM मोर्टार का इस्तेमाल, मुसीबत में आए सरहद के करीब बसे गांव। शाहपुर केरनी में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक महिला घायल, पुंछ के अस्पताल में भर्ती। कुलभूषण को रिहा करने से इनकार करने वाले पाकिस्तान ने अमृतसर जेल में कैद 2 पाकिस्तानी बच्चों को रिहा करने के लिए दायर की याचिका। महाराष्ट्र में 2 दिनों से जारी किसानों का आंदोलन खत्म, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ लंबी बैठक के बाद किसान नेताओं का फैसला। मुख्यमंत्री ने किसानों से किया वादा, कर्ज माफी पर 30 अक्टूबर तक हल कर लिए जाएंगे किसानों की समस्याएं। सीएम का भरोसा, दूध के दाम में किसानों को भी मिलेगा पूरा फायदा, कीमत बढ़ाने पर कमेटी बनाकर सरकार जल्द लेगी फैसला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भरोसा, छोटे किसानों का कर्ज सरकार भरेगी, 30 साल में लिया जाएगा फैसला। किसानों के आंदोलन वापस लेने से राहत, मंडियों में सब्जियों और दूध की आज से ही होगी सप्लाई। 4 देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नए राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों से आज होगी मुलाकात। रूस में बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया जवाब, वेद का उदाहरण देकर बोले, हमेशा से पर्यावरण का हितैषी रहा है भारत। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने के पीछे ट्रंप ने भारत पर उठाई है उंगली, कहा मदद के नाम पर मिले अरबों डॉलर। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के निवेशकों को दिया न्योता, कहा आज भारत की तरफ है सबका ध्यान। सेंट पीटर्सबर्ग में मोदी ने देखा हरमिटेज म्यूजियम, भारत से जुड़ी ऐतिहासिक चीजों को भी करीब से निहारा। के सुखपुर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, रात 12:30 बजे से लगातार फायरिंग, भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों का इस्तेमाल, 82 MM मोर्टार और 120 MM मोर्टार के दागे गोले, फायरिंग में एक महिला हुई घायल। कुलभूषण को रिहा करने से इनकार करने वाले पाकिस्तान ने अमृतसर जेल में कैद 2 पाकिस्तानी बच्चों को रिहा करने के लिए दायर की याचिका। बिहार में आर्ट्स कट ऑफ पर गणेश कुमार गिरफ्तार, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट देने का आरोप, स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी केस दर्ज। करुणानिधि के जन्मदिन के बहाने आज दिखेगी विपक्ष की ताकत, चेन्नई में समारोह की जबरदस्त तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। लालू को बुखार, करुणानिधि के जन्मदिन समारोह में नहीं होंगे शरीक, बीजेपी ने साधा निशाना, नीतीश और लालू में सब कुछ ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से इलाहाबाद दौरा, चंद्रशेखर की मूर्ति का करेंगे अनावरण। शाम करीब 6:30 बजे गंगा आरती में होंगे शामिल, मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी की पहली इलाहाबाद यात्रा। आज ईवीएम हैक करने की चुनाव आयोग की खुली चुनौती, चैलेंज में एनसीपी और सीपीएम होंगे शामिल। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से मंगाई 14 EVM मशीनें, हाल में इन राज्यों में हुए थे विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग को चुनौती देने के बाद आम आदमी पार्टी हटी पीछे, आयोग की ईवीएम हैकाथॉन में नहीं होंगे शामिल। आम आदमी पार्टी अलग से ईवीएम हैकिंग करेगी डेमो, पार्टी ने कई विशेषज्ञों समेत चुनाव आयोग को भी दिया न्योता। दिल्ली विधानसभा में खुद पर हमले के खिलाफ अब कपिल मिश्रा का आज पुलिस में दर्ज कराएगा शिकायत। कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर नया आरोप, कहा दिल्ली के सीएम ने गाड़ियों में सीएनजी किट लगाकर किया घोटाला। कपिल ने लगाया आरोप, 10,000 गाड़ियों में लगाई गई नकली सीएनजी किट, दावों को सही साबित करने के लिए पेश किए कागजात। केरल में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, कार्यकर्ता त्रिवेंद्र में निकालेंगे बाइक रैली। पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पत्रकार जावेद अंजुम की हत्या के मामले में सीबीआई के लाई डिटेक्टर टेस्ट से किया इनकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव पर तीखा हमला, पूछा क्या सिर्फ 4 लोगों के लिए बनाया गया था तेलंगाना। राहुल के परिवारवाद पर किए हमले पर टीआरएस का पलटवार, परिवारवाद का जिक्र कर कांग्रेस ने किया मजाक। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस में भी नेता के तौर पर राहुल स्वीकार्य नहीं। बेरोजगारी पर टूटी मोदी सरकार की नींद, रोजगार योजनाओं पर मंत्रियों से तलब की स्टेटस रिपोर्ट, नए रोजगार को लेकर मांगा जवाब।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार की विवादित टिप्पणी, बोले वैलेंटाइंस डे की वजह से महिलाओं से होते हैं रेप। देश के 13 नेशनल हाईवे पर बनेंगे सेना के लिए रनवे, उतरेंगे पाजप के, आपात हालात से निपटने की तैयारी। एक सप्ताह के बाद कश्मीर घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बहाल, शनिवार को हिंसा के बाद इसे दोबारा किया गया था बंद। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से की मुलाकात, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। अखिलेश सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर कसा शिकंजा, रेप केस मामले में एसआईटी ने दर्ज की चार्जशीट। महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका की बिगड़ी तबियत, एम्स में भर्ती, गॉल ब्लैडर का होगा ऑपरेशन। जारी कोर्ट में एआईएडीएमके के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन और उनके सहयोगी मल्लिकार्जुन को जमानत दिया, तिहाड़ से हुए रिहा। आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, गोल्ड टेक्सटाइल बिजनेस समेत 6 कमोडिटी पर टैक्स की दरों पर होगा फैसला। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के 10वीं का आज आएगा रिजल्ट, स्कूल के साथ साथ सीबीएसई की वेबसाइट से भी देख सकेंगे रिजल्ट। कोसी नदी का मुआयना करने गए बिहार के जल संसाधन मंत्री को झेलना पड़ा विरोध, 12वीं के खराब रिजल्ट से नाराज छात्रों ने मंत्री का काफिला रोका। पत्नी की जाति का खुलासा होने पर किसान पति ने कर ली आत्महत्या, पंजाब के संगरूर की घटना। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस वालों पर गांव वालों का हमला, जान बचाकर भागे पुलिस वाले। गोकुशी की खबर पाकर छापा मारने गई थी पुलिस, नाराज ग्रामीणों ने पुलिस वालों की दो बाइक फूंकी। ग्रामीणों का आरोप, पुलिस ने झूठी खबर के आधार पर किया भद्रता, मारपीट और तोड़फोड़, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। मुजफ्फरनगर में 20 सड़क पर छेड़खानी पड़ी महंगी, लड़की ने आरोपी युवक पर की थप्पड़ों की बारिश। छीटाकशी करते ही लड़की का फूटा गुस्सा, पुलिस चुपचाप देखती रही तमाशा, बाद में आरोपी को पकड़कर भेजा जेल। नोएडा में एसटीएफ के नाम पर वसूली करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार, एक कंपनी मालिक से मांगी थी 8 लाख की रकम। 2 साल पहले नोएडा में हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या की गुत्थी सुलझे, आरोपी शशांक और मनोज गिरफ्तार। हरदोई में कोचिंग से लौट रही लड़की से बसलूकी, विरोध करने पर आरोपी ने की मारपीट, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। गोरखपुर में शराब के लिए कुछ युवकों ने होटल कर्मचारियों से की मारपीट और तोड़फोड़, सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। यूपी के चित्रकूट में 9 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 2 आरोपी पड़ोसियों को किया गिरफ्तार। हापुड़ में वीएचपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एक कंटेनर को पकड़ा, उसमें रखे गए थे 2 दर्जन से ज्यादा पशु, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में शादी का झांसा देकर युवती से धोखा, आरोपी युवक के दूसरी जगह शादी तय होने के बाद बवाल, जांच शुरू। पटियाला में एक मकान से मिले बमों को किया गया डिफ्यूज, सुरक्षित ठिकानों पर ले जाकर पुलिस ने किया तबाह। कुपड़ में एंट्री टैक्स के 40 रुपए की पर्ची काटने पर बवाल, हरियाणा के पुलिसकर्मियों ने बैरियर स्टाफ को मारी गोली। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में चोरी की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद आरोपियों की तस्वीर। कानपुर में 9 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या, रेप की कोशिश और बर्बरता का भी शक। जमशेदपुर में 7 महीने के बच्चे की बलि चढ़ाने का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में दर्दनाक हादसा, ट्रक पलटने से 7 लोगों की हुई मौत। यूपी के कन्नौज में प्रेमी से शादी करने के बाद युवती की आग लगने से मौत, पीड़िता की मां को हत्या का शक। पंजाब के बठिंडा के अस्पताल में एक महिला के इलाज के दौरान मौत पर हंगामा, समर्थन में डॉक्टर भी सड़क पर उतरे। मैनपुरी में छेड़खानी की पीड़ित महिला ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार, इंसाफ नहीं मिलने पर सुसाइड की दी धमकी। मध्य प्रदेश के ओरछा में सेक्स रैकेट का खुलासा, होटल पर छापेमारी में 1 लड़की और 3 लड़के गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मामूली विवाद के बाद हिंसा, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस। यूपी के संभल जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही, दर्द से तड़पती रही फर्श पर पड़ी महिला, किसी ने नहीं की मदद। अमरोहा में दलित महिला का उसके पति के सामने रेप, पंचायत ने आरोपी को 5 जूते मारने और 50,000 की सजा सुनाकर मामले को किया रफा दफा। आगरा में ढाबा मालिक की गोली मारकर हत्या, शराब पीने से रोकने पर आरोपियों ने ली जान। जोधपुर में 2 मासूम बच्चियों को पिता ने गर्म लोहे से दागा और मारपीट की, आरोपी और उसकी पत्नी हिरासत में। जयपुर में मरलेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की वारदात, चांदी की जलधरी ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद आरोपी। कपूरथला में 1100 रुपए के लिए युवक की हत्या, 2 दिन पहले मिली लाश की जांच के सामने आया सच, 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में कांग्रेस नेता विनय राठौर हत्या का मास्टरमाइंड, मुंबई के सांताक्रूज एयरपोर्ट से गिरफ्तार, विदेश भागने की तैयारी। दिल्ली में राजघाट के पास गैस पाइपलाइन की खुदाई के दौरान पानी पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी हुआ बर्बाद। यूपीएससी में 99वां
रैंक लाने वाली बस्तर की बेटी नम्रता जैन का भव्य स्वागत, गाजे-बाजे के साथ झूमे लोग, घर की छतों से बरसाए फूल। अहमदाबाद में चार पैरों वाली 6 महीने की बच्ची का कामयाब ऑपरेशन, डॉक्टर्स ने हटाए दो पैर। जीएसटी को लेकर अभिनेता कमल हासन ने उठाया सवाल का, फिल्म टिकट पर 28% का टैक्स कमर तोड़ने वाला। श्रद्धालुओं के पैरों की ऊर्जा से बिजली पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं शिरडी ट्रस्ट, हर रोज करीब 50 लाख लोग करते हैं दर्शन। पाक के साथ भिड़ंत से पहले दूसरे दिन भी टीम इंडिया की प्रैक्टिस में बारिश बनी विलन, विराट कोहली युवराज ने की इंडोर नेट प्रैक्टिस। भारतीय गेंदबाज नहीं कर पाए अभ्यास, रविवार को बर्मिंघम में खेला जाएगा पाकिस्तान के साथ मैच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी जमकर किया अभ्यास, कई घंटे तक खिलाड़ियों ने ग्राउंड पर की मेहनत। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ओवल में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टक्कर, एंजल मैथ्यूज का खेलना तय नहीं। बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मुकाबला ड्रॉ, न्यूजीलैंड ने दी थी 292 रनों की चुनौती। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स को लगी चोट, चैंपियंस ट्रॉफी से हुए बाहर। प्रशासकों की कमेटी से इस्तीफे के बाद रामचंद्र गुहा ने बीसीसीआई में स्टारडम कल्चर पर उठाया सवाल, कुंबले के साथ बर्ताव पर नाराज किए। कांग्रेस नेता सीपी जोशी बने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए चेयरमैन, ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी को मिली मात। 5 वोट से आने वाले रुचिर मोदी कैंप को क्रॉस वोटिंग की आशंका, सीपी जोशी को मिले 19 वोट। विश्व पर्यावरण दिवस से पहले संजय दत्त की ग्रीन मुहिम, पूरे परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा में किया वृक्षारोपण। अभिनेता ऋषि कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पेड़ की टहनियां काटने को लेकर बीएमसी की शिकायत पर कार्रवाई। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9 को भी अमिताभ बच्चन करेंगे होस्ट, फोटोशूट की तस्वीरें शेयर कर दी जानकारी। करण जौहर 18वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी को करेंगे होस्ट, 13 से 15 जुलाई तक न्यूयॉर्क में है आयोजन। अगले साल 30 मार्च को रिलीज हो सकती है संजय दत्त की बन रही फिल्म बायोपिक सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है, इसे तारीख टकराने की वजह से देरी।